आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नज़र डालेंगे अहम खबरों पर। रियासत तेलंगाना को फार्मा पार्क्स अलाट किए जाएं, फार्मा शोबे में रियासत की तरक्की का हवाला, वज़ीर केटीआर ने मरकज को भेजा मक्तूब। तेलंगाना असेंबली और खामसास काउंसिल के इजलास का 6 सितंबर से होगा आगाज। मरकजी हुकूमत की जानिब से हेल्थ स्कीम और राशन देने का बयान झूठ का पलंदा, मरकजी वजीर सीतारामन के बयान पर रियासती वजीर हरीश राव की तनखीद। कांग्रेस और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने साबिक वज़ीरे आला मुत्तहद आंध्र प्रदेश वाईएसआर की खिदमात को पेश किया खिराज। मजलिसी अराकीन असेंबली और अराकीन बल्दिया मुतालिका हलकों में जारी तरक्याती कामों को तकमील करने में मसरूफ़, हुकूमत की स्कीमात की मौसर अमल आवारी के लिए इकदाम। जाली तालीमी सदाकतनामों की तैयारी और फरोख में मुलविस मुलजिम गिरफ्तार, पहाड़ी शरीफ पुलिस ने की कार्रवाई। देखते हैं खबरों की तफसील। रियासती वजीर के टी रामा राव ने मरकज से मुतालबा किया है कि तेलंगाना को फार्मा पार्क्स अलाट किए जाएं। मरकजी वजारत केमिकल और फर्टिलाइजर्स को तहरीर करदा मकतूब में रियासती वजीर के टी आर ने कहा है कि तेलंगाना ने फार्मा शोबे में काफ़ी तरक्की की है और मुल्क भर में तकरीबन 40% फार्मा प्रोडक्ट्स तेलंगाना ही से जाते हैं और अब ये वैक्सीन कैपिटल भी बन चुका है। ज़रूरी है कि मरकज़ हरकत में आए और फार्मा पार्क्स को अलाट किया जाए। उन्होंने बताया कि 19,000 एकड़ रकबे पर मुश्तमिल फार्मा सिटी प्रोजेक्ट दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में वाक़ फार्मा कंपनीज को अपनी जानिब रागिब करने में कामयाब हुई है और रियासती हुकूमत ने मरकज़ को बल्क ड्रग पार्क स्कीम के सिलसिले में भी दरख्वास्त दे रखी है। कोलिंग इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असेंबली मुतालिका हलकों में तरक्याती कामों की तकमील के लिए इकदाम में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असेंबली हलके मलकपेट अहमद मलाला ने फूलबाग में वाक़े जीएचएमसी जोनल ऑफिस में साउथ जोनल कमिश्नर अशोक सम्राट के हमराह एक अजलास मनक़द किया और ज़ेर तकमील कामों के सिलसिले में नुमाइंदगी भी की। इस अजलास में जीएचएमसी इंजीनियरिंग, सीआरएमपी, सैनिटेशन, टीएनपी, इलेक्ट्रिकल और हॉर्टिकल्चर सेक्शन के अहदेदारों ने भी शिरकत की। जोनल कमिश्नर ने तयखुन दिया कि वो मंजूरा कामों और दीगर कामों की तकमील के सिलसिले में ज़रूरी इकदाम करेंगे। तेलंगाना क़ानून साज असम्बली और क़ानून साज काउंसिल का अजलास 6 सितंबर से रखा जा सकता है। ताहम इस सिलसिले में कतई फैसला वज़ीरे आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में मुनक़्क़दा काबिनी अजलास में लिया जाएगा। नागरामी, इस अहम खबरों के साथ आइए दीगर खबरों पर तफसीली नज़र डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। तेलंगाना असेंबली और क़ानून साज काउंसिल का इजलास 6 सितंबर को 11:30 पर शुरू होगा। यह इजलास से एक रोज़ का ही होगा, ताहम कितने रोज़ इजलास की कार्रवाई जारी रखी जाएगी इस सिलसिले में 3 सितंबर को दोपहर 2 बजे मुनक़िद होने वाले काबिनी इजलास में फ़ैसला लेने की ज़राए ने इत्तला दी है।
वाज़ेह है कि असम्बली का इजलास कायदे और क़ानून के मुताबिक 6 माह मुकम्मल होने से पहले मुनक़िद करना ज़रूरी है, जबकि असम्बली के बजट इजलास का इख्तिताम 15 मार्च को हुआ था। वज़ीर फाइनांस व सेहत हरीश राव ने मरकज़ी वज़ीर फाइनांस निर्मला सीतारामन की जानिब से तेलंगाना में मरकज़ी हुकूमत की हेल्थ स्कीम को रूबे अमल ना लाने के दावे को सफ़े झूठ करार दिया। उन्होंने कहा कि खुद मरकज़ी वज़ीर सेहत ने पार्लियामेंट में कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी के पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए इकरार किया था कि तेलंगाना में मरकज़ की हेल्थ स्कीम रूबे अमल लाई गई है। हरीश राव ने मरकज़ी वज़ीर निर्मला सीतारामन की जानिब से राशन शॉप पर वज़ीर आज़म की तस्वीर को लेकर की जाने वाली बरहमी की भी मजम्मत की। प्रजलकु वास्तवालु अर्थमवुतवनि आयुष्मान भारत लो चेरलेदु नव्वालना एडवालना नाकैते अर्थमैतलेदु अम्मा मंत्री गारु नेनु मीकु सवाल चेस्तुन्ना ओकवेळ तेलंगाण प्रभुत्वं आयुष्मान भारत लो चेरकपोते नेनु इप्पुडे राजीनामा चेस्ता चेरिते मीरु चेस्तारा अनि नेनु अडुगुतुन्ना प्लीज अपालज क्षमापण चेप्पंडि मीरु एंदुकंटे इदि पार्लमेंट लो क्वेश्चन इदि 4 फिब्रवरी 2022 एवरु वेसिंदि क्वेश्चन उत्तम कुमार रेड्डी गारु वेशारु केंद्र वैद्य आरोग्य शाख मंत्री समाधान चेप्पिंदि वेदर आयुष्मान भारत लो तेलंगाना राष्ट्रं चेरिंदा लेदा अनि प्रश्न अडिगिते आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इज इंप्लीमेंटेड इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना सिंस 18 मे 2021 अनि केंद्र आरोग्य मंत्री पार्लमेंट लो 4 फिब्रवरी 2022 नाडु ఈ రాష్ట్రం చేరింది ఈ రాష్ట్రంలో అమలైతుంది అని మన రాష్ట్రం నుంచి ఒక ఎంపీ ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు అడిగితే కేంద్రం సమాధానం చెప్పింది ఇది ఎక్కడ చెప్పిండు గల్లీలనో కాదు ఈ గప్పాలు కొట్టింది కాదు అత్యున్నతమైనటువంటి భారత లోకసభలో కేంద్ర వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి చెప్పిన మాట అదే కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ఉన్న ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ గారు నిన్న కామారెడ్డికి వచ్చి ఏం చెప్తుండే आयुष्मान भारत लो तेलंगाना चेरलेदु एंदुकु चेरलेदंटे प्रजलकु वास्तवाद अर्थमैते एं चेरलेदु अनि ओक अबद्धं पच्ची अबद्धं आडेसिंदि वारु ओक केंद्र मंत्री पार्लमेंट लोनेमो तेलंगाना चेरिंदि अंटारु इंकोक केंद्र मंत्री गल्लीलो वच्ची चेरलेदु अंटारु मरि ए केंद्र मंत्रिदि करेक्ट मरकजी वज़ीर फाइनांस निर्मला सीतारामन ने अपने तेलंगाना दौरे के दूसरे दिन कामारेड्डी की एक राशन शॉप का दौरा किया और वहां पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तस्वीर ना लगाने पर कलेक्टर की जानिब से ज़बरदस्त क्लास लेते हुए उन्हें इंतबाह दिया और कहा कि आधे घंटे के अंदर वज़ीर आज़म का फ्लैक्स नस्ब करने की हिदायत दी। मरकजी वज़ीर ने कोरोना वबा के दौरान मरकजी हुकूमत की जानिब से सरबराह किए गए चावल की भी रियासती हुकूमत की जानिब से अदम तशहीर पर भी बरहमी का इजहार किया। जनानिकी वर्ल्ड के वच्चे हक्कु प्रकारं वच्चे ओक्क पदक नुंचि वच्चे पीएम पप्पू ఏదైనా కూడా వాళ్ళకు వివరం తెలియకపోతే వాళ్ళు వచ్చి అడిగేది లేదు కదండి ఇలాగా కన్ఫ్యూషన్ గా చెప్తారు నేను వెళ్ళి తీసుకురాలే మీరు తీసుకొచ్చిన వాళ్ళే వాళ్ళకు కన్ఫ్యూషన్ ఉంటే ఓయ్ పర్వాలేదు మా కంగారు పడకు నీకు నీ బియ్యం దొరుకుతూ ఉంటుంది ఎవరు ఆపట్లేదు బియ్యం వాళ్ళకే కన్ఫ్యూషన్ అనుకోండి వాళ్ళు వచ్చి ఇక్కడ అడుగుతారండి ఈయన ఆల్రెడీ అక్కడి నుంచి అల్లా ఊ ఎర్రగా కళ్ళు పెట్టుకుని చూస్తున్నారు బాబు ఈయన్ని కొంచెం చూసుకోండి కలెక్టర్ గారు దిస్ ఇస్ నాట్ ద వే టు డీల్ యు ఆర్ టాకింగ్ ఐఎమ్ టాకింగ్ హీ ఇస్ టాకింగ్ వై ఇస్ హీ ఇన్ బిట్వీన్ వై ఇస్ హీ ఇన్ బిట్వీన్ నిజంగా నేను అడుగుతున్నా మళ్ళీ నిన్ను నేను ప్రశ్న అడిగే వరకు నీ దగ్గర జవాబు నాకు అక్కర్లా ఈ మధ్యలో ఈ వీళ్ళని అక్కడి నుంచి వచ్చారు కదా బెదిరించడానికి కలెక్టర్ గారు ఉన్నారు వాళ్ళకు తెలియక అంటావే ఈయనకు తెలియదా ఈయన కంటే పెద్దవాడారు ఇక్కడ ఇలాంటి వ్యవహారం పెట్టుకోకు
मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीरे आला आनजहानी वाईएस राजशेखर रेड्डी की 13वीं बरसी के मौके पर कांग्रेस और वाईएसआर कांग्रेस कायदीन ने उनकी खिदमात को खिराज पेश किया। एडुला पाया आंध्र प्रदेश में मुनक़िदा मरकजी तकरीब में वज़ीरे आला आंध्र प्रदेश वाईएस जगनमोहन रेड्डी के अलावा विजयम्मा और तेलंगाना वाईएसआर पार्टी कायद वाईएस शर्मिला ने शिरकत की। वाईएस राजशेखर रेड्डी की समाधि पर फूल पेश करते हुए उनकी खिदमात को खिराज पेश किया गया। చూసియోను వెల్లుదము ఐగుప్తును విరచినట్టి మీరు అరణ్యవాసులే ఈ ధరలో ఐగుప్తును విరచినట్టి మీరు అరణ్యవాసులే ఈ ధరలో నిత్య నివాసము లేదిలలోన నేత్రాలు కానను పై నిల్పుడి నిత్య నివాసము లేదిలలోన నేత్రాలు కానను పై सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी की 13वीं बरसी के मौके पर उनके मुजस्मे और उनकी तस्वीर पर फूल मालाएं पेश करने के बाद राजशेखर रेड्डी को अवामी कायद करार दिया। उन्होंने बताया कि तेलंगाना की आवाम उन्हें आज भी याद करती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि राजशेखर रेड्डी ने 2004 और 2009 में कांग्रेस को इख्तदार पर फायज किया था। इस मौके पर कांग्रेस कायदीन अंजन कुमार यादव, पी लक्ष्मैया मल्लू रवि के अलावा दीगर भी मौजूद थे। रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने बताया कि जारिया साल अदालत की हिदायत के बाद आबी आलूदगी को कम करने के लिए मिट्टी की गणेश मूर्तियों को बिठाने की जो हिदायत दी गई है, इस पर सख्ती के साथ अमल किया जा रहा है और 4 लाख मिट्टी की गणेश मूर्तियां तकसीम करने के भी इकदाम किए गए हैं। उन्होंने बताया कि खैरताबाद में 50 फीट लंबी मिट्टी की गणेश मूर्ति तैयार करने के लिए राजस्थान से खसूसी तौर पर मिट्टी मंगवाई गई है। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि गणेश विसर्जन का पुरमन इनखाद अमल में आएगा। रियासत तेलंगाना में माह अगस्त में हुए एसएससी एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात के नतायज जारी कर दिए गए हैं। मीडिया से बात करते हुए महकमे तालीम की अहदेदार ने बताया कि सप्लीमेंट्री इम्तिहानात के लिए 55,000 से ज़ायद तुलबा ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, जिनमें से 48,000 से ज़ायद तुलबा ने शिरकत की। सप्लीमेंट्री इम्तिहानात में 38,000 से ज़ायद तुलबा ने कामयाबी हासिल की। मजमूई नतीजा 79.82% बताया गया है। नतायज में लड़कियाँ लड़कों से आगे रहीं। लड़कियों का नतीजा 82.21 रहा, जबकि लड़कों का नतीजा 78.42 रहा। सिद्दीपेट पहले नंबर पर रहा, जबकि कोमरम भीम आखिरी नंबर पर रहा। అందరికి నమస్కారం. మన ఎస్ఎస్సి సప్లిమెంటరీ ఎగ్జామ్స్ దాదాపు 2 ఏళ్ళ తర్వాత మళ్ళీ మనం చేసుకుంటున్న మనం కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇందులో మీకు ప్రెస్ నోట్ ఇవ్వడం జరిగింది.
దీనికి 1/8 నుంచి 10/8 దాకా ఈ ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేయబడ్డాయి. 16 నుంచి 18 ఆగస్టు వరకు స్పాట్ వాల్యుయేషన్ జరిగింది. ఇందులో 55,663 మంది క్యాండిడేట్స్ రిజిస్టర్ చేస్తే 48,167 మంది పిల్లలు అప్పీర్ అయ్యారు. వారిలో 38,447 మంది పిల్లలు పాస్ అయ్యారు. పాస్ పర్సంటేజ్ 79.82%. స్టేట్ లెవెల్ పాస్ పర్సెంట్ हल्के असम्बली राजेंद्र नगर में वाक़ सुलेमान नगर डिवीजन के इलाके बारा इमाम पहाड़ी पर हुकूमत का प्रोग्राम हरीता हरम का अहतमाम किया गया. मजलिसी इंचार्ज हल्के राजेंद्र नगर मिर्ज़ा अहमद बेग और नुमाइंदा कॉरपोरेटर सुलेमान नगर डिवीजन मोहम्मद नवाजुद्दीन अहमद ने हुकूमती अहदेदारों और GHMC के जिम्मेदारान के साथ इस प्रोग्राम में शिरकत की. रिजवान भाई पहाड़ी शरीफ पुलिस ने जाली सर्टिफिकेट्स की तैयारी और सरबराही में मुलविस मुलजिम को हिरासत में लिया और कई एक सर्टिफिकेट्स भी बरामद किए. पुलिस के मुताबिक 42 साल मोहम्मद कलीमुद्दीन साकिर खुबा कॉलोनी बल्लागुड़ा चंद्रान गुट्टे को हिरासत में लिया गया जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के सर्टिफिकेट्स की तैयारी में मुलविस था. मस्कुरा मुलजिम के कब्जे से लैपटॉप लॉ मेंशन मशीन प्रिंटर के अलावा 98 से ज़ायद सर्टिफिकेट्स जब्त किए गए. ఎంత ఏజ్ ఉంది కలీం నీకు? 42? ఎందరు పిల్లలు? ముగ్గురా? ఏం చేస్తున్నారు? మరి ఎందుకు పోయి వాళ్ళ వాళ్ళ నీ లైఫ్ ఖరాబ్ చేసుకుంటూ వాళ్ళ లైఫ్ ఖరాబ్ చేస్తారు? షరీఫ్ పోలీస్ స్టేషన్ రాచకొండ పోలీస్ కమిషనరేట్ మే కల్ ఏ పోలీస్ పహాడీ షరీఫ్ వై జంక్షన్ మే జబ్ వెహికల్ చెకింగ్ కర్ రే సస్పిషియస్ మేనర్ మే ఏక్ గాడీ కో హోండా యాక్టివా కో రోకే ఏ రోకే తో ఉస్మే ఆద్మీ కో చెక్ కరే తో డిక్కీ మే తోడా ఏ సస్పిషియస్ మే హమారకు సర్టిఫికేట్స్ డిఫరెంట్ యూనివర్సిటీస్ కా సర్టిఫికేట్స్ హే उसमें एक पूछताछ करे तो इसका नाम मोहम्मद कलीमुद्दीन 42 ईयर्स है. ये चंद्रायन गुट्टा के रहने वाला है. उसको एग्जामिन करे तो इसका ऊपर पुराना केसेस हमारे को चेक करे तो पुराना केसेस बहुत निकला. इसका पास SSC सर्टिफिकेट्स आंध्र प्रदेश का, इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट्स आंध्र प्रदेश तेलंगाना का, टेक्निकल एजुकेशन ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स JNTU का सर्टिफिकेट्स, उस्मानिया यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट्स, काकतीय यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट्स, आंध्र यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट्स. और ये कबूल करे हम ये पर्सनली ये फेक सर्टिफिकेट्स प्रिपेयर कर रहे बोल के. इसका पास लेनोवा लैपटॉप प्रिंटर लैमिनेटर फेक रबर स्टैम्प्स ये पूरा रिकवरी करे. ये इसका बारे में हमारे को थोड़ा इंफॉर्मेशन भी हमारे को SOT से SOT राचकोंडा और पहाड़ी शरीफ पुलिस मिलके ये रॉकेट को बस्ट करे. इसका ऊपर हमारा बालापुर पुलिस स्टेशन में भी एक केस रजिस्टर हुआ. इसका पहले और हैदराबाद सिटी में और राचकोंडा में बहुत केसेस ऑलरेडी रजिस्टर है. इसमें अरेस्ट भी हो गया. अभी इसको अरेस्ट करके हम जुडिशल रिमांड को भेजते.
श्रीराम युवा सेना ने 3 सितंबर हफ्ते को मलून और गुस्ताख राजा सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ गोशा महल बंद का ऐलान किया है। मस्कुरा तंजीम के जिम्मेदारों ने मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए तेलंगाना हुकूमत बिलखसूस वजीर आला KCR पर शदीद तनकीद की और कहा कि बदले की सियासत के तौर पर राजा सिंह को हिरासत में लिया गया है। तेलंगाना के कामारेड्डी में आज कांग्रेस के कारकुनों की तरफ से मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारामन के काफिले को रोकने की कोशिश की गई, तहम पुलिस वहां पहुंच गई। BJP के कारकुन भी वहां जमा हो गए थे। दोनों जानिब से नारेबाजी का तबादला भी अमल में आया। यूथ कांग्रेस और BJP के कारकुन आपस में बहस व तकरार भी करने लगे। दोनों पार्टियों के कारकुनों के दरमियान हाथापाई के मनाजिर भी देखे गए। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असेंबली मोहम्मद मौजम खां की निगरानी में फलकनुमा डिवीजन में तरक्याती काम जारी हैं। जुमे को मुतालिका नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोतीलाल नायक ने 25 लाख रुपए के मसारिफ से NP2 600 mm पाइपलाइन और VDCC सड़क के काम का आगाज़ किया। मीडिया से बात करते हुए मोतीलाल ने बताया कि डिवीजन की आवामी शिकायत से सदर मजलिस को भी वाकिफ करवाया गया था और उनकी नुमाइंदगी पर इन कामों का आगाज़ हुआ है। मुकामी आवाम ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर मजलिस के मुकामी कारकुनान भी मौजूद थे। ये हमारे NP साहब का इजाद पे, हमारे MLA साहब का इजाद पे लेकर DS हमारे बस्ती वाले मेराजगढ़ जब से उनके कॉलोनी से बहुत अच्छे दिन थे हमारे बस्ती वाले जो मजबूत उठाए, मगर मजबूत भी उठाया। बहुत तबलीग में थे हमारे लोग, यहाँ पे बहुत तबलीग में थे। MLA साहब भी लेटर टू फोर में 5-6 बार फ़ोन करके इमीडिएट सैंक्शन दिलाया था MLA साहब को। उसके पहले में 25 लाख रुपए का सैंक्शन हो गया है। पाइपलाइन भी आ गया है इसमें, अपन तो BDCC रोड है, BDCC रोड है, NP2 पाइपलाइन है। 25 लाख का काम है ये। जल्द से जल्द हमारे बस्ती वाले से गुजारिश है, आप भी ज़रा सपोर्ट देंगे काम वाले को करा लीजिए, लेकिन देर के भी आप लोग करा लीजिए। हमारे जब्बार का भी बहुत मेहनत है इसमें। जब बोले जब पानी भर जाए, पानी आते बारिश आते पूरा मिराज गार्डन में आना पड़ता, हमारे को पड़वा डालने के ये डाल लेके आना पड़ता। बेगमपेट में वाक़े मेडिकेयर हॉस्पिटल के पेंट हाउस में आग लगने का वाक़या पेश आया। बताया जा रहा है कि पेंट हाउस पर वेल्डिंग के काम के दौरान आग लग गई और वहां रखा सामान जलकर खाकस्तर हो गया, तहम किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस ने भी मुकाम वाक़े पर पहुंचकर तफसीलात हासिल की और मज़ीद तहकीकात जारी है।
बीसी तलबा तंजीम की जानिब से मासाब टैंक पर वाक़ संगशीमा भवन के पास एहतजाज करते हुए फीस बाज अदायगी के बकायाजात की अदायगी का मुतालबा किया गया। बीसी कमिश्नरेट के दफ्तर के पास एहतजाज करते हुए नारेबाजी भी की गई। बीसी तलबा के मसाइल की फौरी यकसोई का मुतालबा किया गया। एहतजाजियों ने यह भी इंतबाह दिया कि अगर फौरी बकायाजात जारी नहीं किए गए तो प्रगति भवन का घेराव किया जाएगा। तेलंगाना स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड TSTDCL ने तादीबी कार्रवाई करते हुए लोअर टैंकमेंट पर वाक़े स्नो वर्ल्ड को सीज कर दिया है। ज़राए के मुताबिक कॉरपोरेशन ने कहा है कि अम्यूज़मेंट पार्क स्नो वर्ल्ड तकरीबन 16 करोड़ 70 लाख रुपए लीज रेंट अदा शुदनी है, जिसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए कॉरपोरेशन ने पार्क को मुहर बंद कर दिया है। मुहर बंद करने के बाद आवाम के दाखिले को भी बंद कर दिया गया है, जबकि अहदेदारों ने कहा है कि बकाया वसूल होने तक पार्क को आवाम के लिए नहीं खोला जाएगा। उर्दू सहाफत के 200 साल जश्न के सिलसिले के तहत रोजनामा सियासत के जेर एहतमाम तमसीली मजाहिया मुशायरा 4 सितंबर इतवार 7 बजे शाम आबिद अली खान हॉल एबिट्स पर मुनक़िद होगा। तमसीली मजाहिया शोरा के तौर पर वहीद पाशा खादरी, डॉक्टर मोइन अमर बम्बू, शहाबुद्दीन पाया, मुनव्वर अली मुख्तसर, लतीफ़ुद्दीन लतीफ़, मिर्ज़ा नेमतुल्ला बेग, शब्बीर खान, शब्बन खान, सांवली बेगम, शहनाज सुल्ताना खान और के बी जानी हिस्सा लेंगे। बाज़ ख़वातीन और हजरात से कन्वीनर मुनव्वर अली मुख्तसर ने शिरकत की अपील की है। आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। रियासत तेलंगाना को फार्मा पार्क्स अलाट किए जाएं, फार्मा शोबे में रियासत की तरक्की का हवाला, वजीर KTR ने मरकज को भेजा मक्तूब। तेलंगाना असेंबली और खानसास काउंसिल के इजलास का 6 सितंबर से होगा आगाज। मरकजी हुकूमत की जानिब से हेल्थ स्कीम और राशन देने का बयान झूठ का पलंदा, मरकजी वजीर सीतारामन के बयान पर रियासती वजीर हरीश राव की तनखीद। कांग्रेस और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने साबिक वजीर आला मुत्तहद आंध्र प्रदेश वाईएसआर की खिदमात को पेश किया खिराज। मजलिसी अराकीन असेंबली और अराकीन बल्दिया मुतालिखा हलकों में जारी तरक्याती कामों को तकमील करने में मसरूफ़, हुकूमत की स्कीमात की मौसिर अमल आवारी के लिए इकदामात। जाली तालीमी सदाकतनामों की तैयारी और फरोख में मुलविस मुलजिम गिरफ्तार, पहाड़ी शरीफ पुलिस ने की कार्रवाई। इसी के साथ रूबी उर्दू न्यूज़ यहीं अख्तिताम पज़ीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैन अल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलामु अलैकुम।